समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की जेल से रिहाई के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। एसपीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जेल में अखिलेश यादव के आजम से मिलने पर नहीं जाने पर सफाई दी है, तो वहीं एसपी नेता रविदास मरोत्रा ने कहा कि बीजेपी की सरकार चाहती थी कि आजम खां की जेल में ही मौत हो जाए। चर्चा यदि आप लोग शिवपाल जी की कर रहे हैं तो शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी आज कार्यक्रम जो देश के लोकसभा के अध्यक्ष जी यहाँ आए हुए हैं, जो ये विधान की व्यवस्था है पेपरलेस, आज जो उद्घाटन कार्यक्रम था उसमें प्रतिपक्ष के नेता को रहना बहुत जरूरी है और कोर्ट के आदेश से रिहाई हुई है और रिहा होते हैं तो सब लोग मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार की साजिश विफल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि आजम खां की जेल में मौत हो जाए। आजम खां साहब आज जेल से रिहा हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खुशी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है उसके लिए उनका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 28 महीने आजम खां साहब को फर्जी तरीके से जेल में बंद रखने का काम किया।